नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो अभी बहराइच में 13 तारीख को जो एक कांड हुआ था, माता जी के जो प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए ले जा रहे थे, उस भीड़ पर जो पथराव हुआ था, उसमें एक व्यक्ति राम गोपाल मिश्रा की मृत्यु हो गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। दोस्तों, तो उनके जो अपराधी थे वो 5 लोगों के खिलाफ FIR करी गई थी। उस 5 लोगों को सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें से 2 लोग ऐसे हैं जो नेपाल के बॉर्डर पर गिरफ्तार किए गए, वो भी वो ऐसे नहीं गिरफ्तार किए गए, उनका हाफ़ एनकाउंटर किया गया है। हाफ़ एनकाउंटर का मतलब उनके पैरों में गोली मारी गई है। वो भागने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस के ऊपर उन्होंने फायरिंग करी थी, तो अपने बचाव में पुलिस ने फायरिंग करी और वो फायरिंग जो करी वो उनके पैर में लगी जाकर, तो इसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हो गई, वो पकड़ लिए गए। ये तो दोस्तों अच्छी बात है कि वो पुलिस की पकड़ में आ गए। अब दोस्तों, अब यहाँ से स्टार्ट होनी थी राजनीति। राजनीति विपक्ष की तरफ से स्टार्ट हो गई। विपक्ष ने जब राम गोपाल मिश्रा मारे गए, तब किसी भी विपक्ष के नेता ने खुलकर कोई बात नहीं बोली कि उस मृतक परिवार के लिए कुछ सांत्वना हो, उस मृतक व्यक्ति के लिए कोई बात बोली गई हो। विपक्ष ने कुछ नहीं बोला। अखिलेश यादव जी का कोई ट्वीट नहीं आया, जो कि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव जी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मरने वाला वहाँ पर हिंदू था और जो मारने वाला था वो मुस्लिम है, इससे उनका वोट बैंक ख़राब होता है अगर वो कुछ भी बोलते हैं। ये उस वक्त तक नहीं बोला गया, लेकिन आज जब एनकाउंटर हुआ, वो भी हाफ एनकाउंटर, पैर में गोली मारी गई, तो सारे नेता सामने आए मीडिया के सामने, उन्होंने भाजपा को उल्टा सीधा कहा, जो भी कहना था उनको, और उन्होंने ये बोला कि ये देश को बांटने की राजनीति हो रही है, ये एनकाउंटर क्यों किया गया। अब सारा जो मुद्दा है वो एनकाउंटर पे बात होने लगी, जो हाफ एनकाउंटर हुआ है, अभी वो व्यक्ति मरे भी नहीं है, उनके पैर में गोली लगी, वो बच गए, सुरक्षित हैं, लेकिन सारी राजनीति एनकाउंटर पे आकर रुक गई। जो व्यक्ति मर गया हिंदू, उसकी कोई बात नहीं कर रहा, अब वो सारी बात कॉर्नर हो गई। ये विपक्ष का चेहरा सामने आता है। अब यहाँ से समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी रियली हिंदुओं की पार्टी है, क्योंकि अगर किसी ने ये मुद्दा उठाया तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता है जो इस मुद्दे को ऊपर उठाया, और योगी सरकार एक्शन में है और उन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाई करके इन सभी अपराधियों को पकड़ लिया है। इनकी अब पेशी होगी, इनके ऊपर केस चलेगा और इसका जो भी निर्णय होगा वो सामने आएगा जनता के। और यहाँ से जो विपक्ष है उसका भी चेहरा सामने आ जाता है कि विपक्ष ने अपनी कैसी भूमिका निभाई, और इनको सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को मुसलमानों की चिंता है और किसी की नहीं। दोस्तों, अगर इसी तरह की चीज़ें होंगी तो ये देश किस तरफ जाएगा, ये सोचने की बात है। क्या हिंदू और मुसलमानों को आपस में क्या लड़ाई करके रहना पड़ेगा? ये जो त्यौहार हैं ये तो हर साल आएंगे, और हर साल ऐसे ही फिर क्या कुछ होगा हिंदू और मुसलमानों के बीच में? फिर तो बड़ी समस्या हो जाएगी भाई। अभी भी हिंदू बहुसंख्यक हैं, बहुत संख्या है हिंदुओं की, अगर वो इस तरह से अगर रोकने लगे चीज़ों को तो माहौल ख़राब हो जाएगा देश में। ये बात नेताओं को भी समझनी चाहिए और मुस्लिमों को भी समझनी चाहिए कि भाईचारे के साथ अगर रहेंगे तो वो देश के लिए अच्छा होगा। अगर भाईचारा और सौहार्द अगर बिगड़ता है तो वो किसी के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है। ये दोस्तों हम सब लोगों को समझना चाहिए कि आखिर ये जो भी है गलत चीज़ें हो रही हैं। अगर उस व्यक्ति को ने कुछ गलत किया था तो आप उसके ऊपर FIR कर सकते थे, उसको मारने की ज़रूरत नहीं थी, आपने गोली मार दी। गोली मारने की क्या आवश्यकता थी? देश तो संविधान से चलेगा, अगर आपको लग रहा था उसने कुछ गलत किया तो आप उसके खिलाफ़ FIR लिखाते, FIR होती, पुलिस अपनी कार्रवाई करती और जो उचित उसको दंड मिलना चाहिए वो मिलता अगर वो दोषी होता तो। आप फैसला खुद अगर देने लगेंगे तो ये गलत बात है, फिर तो हिंदू मुसलमान का लड़ाई झगड़े हमेशा होगी। कुछ समय पहले इसको बोला जाता था मॉब लिंचिंग, अब ये हिंदू
व्यक्ति को मारा गया है तो अब इसको मॉब लिंचिंग नहीं बोलेंगे, लिंचिंग तो वर्ड ही भूल गए कि कुछ होता भी था। ये बहुत ही गलत है, इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ सरकार को भी सोचना चाहिए कि क्या ये कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं से भी अच्छा नहीं है देश के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इस पर कुछ और अपडेट आएगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।